सबसे पहले हमें इस तरह से कोई भी कलर की वूलन ले लीजिए, चाहे ये कलर ले लीजिए, चाहे येलो कलर ले लीजिए, कोई सा भी कलर ले, जो जो भी आपके पास अवेलेबल हो कोई सी वूलन ले लीजिए। और उसके बाद ये आप ले लीजिए, 24 सेंटीमीटर ली है मैंने, तो आप भी 24 सेंटीमीटर या थोड़ा अगर छोटी बनानी हो तो कम ले लीजिए। उसके बाद इसे हमें इस तरह से 5-1 सेंटीमीटर छोड़कर एक नॉट लगानी है, इस तरह से, इस तरह से इसे पकड़ना है और एक नॉट लगा लीजिए। इस तरह से नॉट लगाने के बाद इसे हमें इस तरह से फर्श पे रखना है और यहाँ पर इस तरह से नॉट के ऊपर यहाँ पर हमें इसे टेप से चिपकाना है। इस तरह से टेप से इसे चिपका लीजिए। उसके बाद हमें इन तीन इसमें से तीन डोरियों में से एक डोरी, बीच की डोरी उठानी है और उसे इस तरह से उठाकर यहाँ पर इसके फ्रंट पर आगे की साइड यहाँ पर इसे ग्लू लगा लीजिए, तो थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा। इस तरह से ग्लू या फेविकोल जो भी आपके पास हो उस तरह से इस पर लगा लीजिए और इसे इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और इसके आगे अगर थोड़ा सा धागा निकले तो उसे कट कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से इसे हार्ड करने के बाद इस तरह से जो मोती आते हैं वो हमें 8-10 मोती इसमें इस डोरी के अंदर पूरे पुरोने हैं, इसके अंदर पूरे लगाने हैं। ये देखिए इसमें हमने इतने सारे मोती लगा लिए। अब हमें आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए, अगर आप छोटी राखी बना रहे हैं तो कम मोती चाहिए और अगर ज़्यादा बड़ी राखी बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मोती लेने हैं। अब हमें इन सब मोती को थोड़ा पीछे करना है, सारे बस एक आगे रखेंगे बाकी सारे पीछे कर देंगे। एक मोती को आपको जहाँ पर आपने नॉट लगाई है यहाँ पर इस तरह से इसे आगे कर दीजिए जहाँ पर हमने नॉट लगाई है। उसके बाद इस डोरी को, हमारी बीच वाली डोरी को जिसमें हमने मोती लगाई है उसे नीचे रख देंगे और साइड में से एक डोरी आपको उठानी है और उसे इसे इधर साइड में कर दीजिए। अब इसे इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद इसे जो हमारी सेंटर वाली बीच वाली डोरी है इसके नीचे से निकालना है, इस तरह से बीच वाली को सीधी रखेंगे और इस वाली को साइड में कर देंगे और जो हम नॉट बना रहे हैं उसे इस तरह से आपको नीचे से निकालना है, इस तरह से। अब जैसे हमने ये करी उसी तरह से हमें इस डोरी को भी लेना है, इसे हम साइड में करेंगे एक बार और इस तरह से इसे ऊपर रखेंगे बीच वाली डोरी के। इस तरह से ऊपर से रखने के बाद इसे नीचे से हमें निकालना है, इस तरह से, और इसे ऊपर तक लेके जाना है, इस तरह से। यही प्रोसेस हम एक बार फिर करेंगे। इस तरह से डोरी ऊपर रखनी है, बीच वाली को नीचे खींचना है और इस तरह से बीच वाली डोरी के नीचे से हमें नॉट लगानी है, इस तरह से। ये हमें दो बार करना है। अब इस वाले को साइड में रखेंगे, इस वाली डोरी से बीच वाली को इधर खींचेंगे और इसे दूसरी वाली को नीचे से निकालेंगे, इस तरह से। इस तरह से आपको दो बार इस तरह से आपको नॉट लगानी है, इस तरह से। अब ये मोती हमारे सेंटर में आ गया, इस तरह से। नेक्स्ट, इसके बाद हमें दो बार नॉट लगाने के बाद अब हमें नेक्स्ट दूसरा मोती लेना है, उसे आगे करना है, इस तरह से। इस तरह से करने के बाद फिर हमें वापस वही करना है, बीच वाली डोरी को सीधा रखना है, फिर उसके बाद इसे ऊपर रखना है, इसको साइड में रखेंगे और उसके बाद इस वाली डोरी को हमने जो नॉट लगानी है उसे इस तरह से नॉट लगाएंगे, इस तरह से। उसके बाद फिर इस वाली डोरी को साइड में रखेंगे जिससे हमने नॉट लगाई है, दूसरी वाली को लेंगे, ऊपर रखेंगे बीच वाली के और इस तरह से बीच वाली डोरी के नीचे से निकालेंगे, इस तरह से। ये प्रोसेस हमें दो बार करना है, एक बार हो गया, अब दूसरी बार सेम वही प्रोसेस हमें वापस करना है, इस तरह से। बीच वाली डोरी को हमें हमें सीधा रखना है नॉट लगाते समय, बस उससे हमें नॉट नहीं लगानी है, इस तरह से। इस तरह से रखना है, बीच वाली डोरी सीधी रखनी है और हमें जिससे नॉट लगानी है उसे नीचे से निकालना है, इस तरह से। ये सारी नॉट हमें इस तरह से लगानी है। दो बार यहाँ पे भी हमने नॉट लगा रखी है और जितनी डोरी आपको छोड़नी हो राखी बांधने के लिए जितनी इतनी हाथ में आ जाएगी, उसके बाद जितनी डोरी आपको छोड़नी हो थोड़ी सी 5 या 6 इंच उतनी डोरी रख लीजिए, बाकी यहाँ से हम कट कर लेंगे, इस तरह से।
डोरी हमने छोड़ दी है इस तरह से। अब ये हम टेप हटा देंगे यहाँ से। ये देखिए, ये राखी हमारी बिल्कुल, मोतियों की राखी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इस तरह से कोई से भी कलर में बना सकते हैं। उनका कलर अलग ले लीजिए, चाहे मोती का कलर अलग लीजिए, चाहे रंग बिरंगे अलग अलग मोती ले लीजिए, कैसे भी कलर में आप बना सकते हैं। और ये यहाँ से नॉट लगाने के बाद इस तरह से बाद में साइड में बांधने के लिए डोरी को भी कट कर लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग नाप ले सकते हैं। तो ये हमारी राखी बिल्कुल तैयार है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।